Wait a second, I don't need you. Then why so settled? I'm just with you. Still, it feels just like I'm waiting for something better. Wait a second, I wanna stay up late with my heart in your head. Maybe stay too much, cause you don't understand. You got me घर को संभालना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, एक पूरा चैलेंज है। तो हम क्या करते हैं जब इन चीजों को संभालते हैं, तो हमें कुछ कुछ चीजें जो है ना समझ में आने लगती हैं, और एक्सपीरियंस के बाद हमें ऐसा लगता है अरे वाह ये तो बढ़िया चीजें हैं, हमें शेयर करनी चाहिए। तो देखो कुछ छोटी छोटी सी चीजें ऐसी हैं घर में जो मैं करती हूँ और वही आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, यानी कि ये वीडियो है एक हैक्स के बारे में। कौन सा है कि अब वो देखते हैं कि आप अपनी सारी दवाइयां बिल्कुल टाइम पर लोगे बिल्कुल मेरी तरह से। ये है एक वाटर बॉटल जिसमें की मेडिसिन बॉक्स बने हुए हैं छोटे छोटे से, और इसमें आप अपनी 7 दिन की 7 डेज की मेडिसिन रख सकते हैं, चाहे वो मल्टीविटामिन्स हो या कोई और मेडिसिन जो कि आप डेली लेते हो। अक्सर क्या होता है कि हमारी वाटर बॉटल अलग रखती रहती है और हमारी मेडिसिन अलग रहती हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें नहीं खा पाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इसमें एक साथ हैं तो ये बड़ी ही हैंडी हो जाती है। इसे कहीं एक ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर कि ये एक्सेसिबल हो हमेशा आपको, तो जब कभी भी आप काम कर रहे होंगे तो आपको ये दिखाई देगी ना, तो आप हमेशा अपनी जो है मेडिसिन ऑन टाइम ले लो। अब मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ही अच्छा DIY जिसे कि आप 2 कामों से यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं चाहिए, चाहिए एक बिल्कुल ग्लास बॉटल, ट्रांसपेरेंट बॉटल, जितनी बड़ी भी आपके पास हो चलेगी, और उसमें मैंने अलग अलग कलर की दालें यानी कि पल्सेस वगैरह सारी भर ली हैं, और बड़ा ही कलरफुल सा देखिए ये रेडी हो गया। अब जो हमारे नाइव्स होते हैं जो बड़े वाले होते हैं ना, वो काफ़ी जगह घेरते हैं रखने में, और जब हम उन्हें किसी भी होल्डर में रखते हैं तो वो गिरते रहते हैं। आप इसमें फंसा के इनको रख सकते हैं, देखने में भी बहुत ये सुंदर लगेंगे, और इसमें मतलब एक अलग ही तरीके का हमारा नाइफ होल्डर बन जाएगा। और हाँ, इसके साथ आप इसे एक दूसरे तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें लगा सकते हैं कुछ फ्लावर स्टिक्स, जिससे कि ये एक बहुत ही सुंदर सा डेकोर पीस भी बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो आपके पास हैं ही, जल्दी से बना डालिए। जब कभी भी बच्चे बाहर से आते हैं ना, तो फुट मैट पे हम कहते हैं कि आप ज़रूर अपने पैरों को पोंछो, लेकिन इससे क्या होता है ये बिल्कुल बिगड़ जाता है। एक टेक्निक है जिससे ये बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, अपनी जगह से नहीं हिलेगा। डबल साइडेड टेप इस पे चिपका दीजिए पीछे की तरफ, और अगर आपके पास सिलिकॉन टेप हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से इस पे चिपकता है। और फिर इसे सीधा करके देखिए इस तरह से फर्श पे चिपका दीजिए, हो गया आपका काम बिल्कुल कम, बिल्कुल थोड़ा सा। मम्मी डैडी ना घर पर आए थे अभी कुछ दिनों पहले, और उनका पहला रिएक्शन क्या था जैसे ही वो घर में घुसे थे कि वाह घर में कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। ये मैंने लिया है थोड़ा सा घी, और आप ऑयल भी ले सकते हैं। इसको बिल्कुल हल्का सा हमें गर्म करना है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, बस ये मेल्ट हो जाए। और इसमें डालेंगे हम एसेंशियल ऑयल की कुछ ड्रॉप्स, या अगर आपके पास कोई भी इत्र हो उसको डाल लीजिए। अगर आप इत्र डालेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। बस ध्यान दीजिएगा कि ऑयल बहुत गर्म ना हो। और ये हैं कुछ पूजा की बत्तियाँ, अगर सीधी रखते हैं तो गिर जाती हैं, पीछे की तरफ से थोड़ा इन्हें फैलाकर एक टिफ़िन में मैंने इस तरह से रख दिया, और जो ये खुशबूदार ऑयल मैंने बनाया था ना या घी बनाया था, वो इसके ऊपर से इस तरह से डाला कि बत्तियों में भी अच्छी तरीके से घी पहुंच जाए। इसे आप पूजा के लिए भी यूज कर सकते हैं, मैं पूजा का घी इसी तरह से बनाती हूं। अब जब कभी भी आपको कहीं पे भी घर में कुछ खुशबू फैलानी हो, ये है कुछ देखिए मेटल के ढक्कन, इनमें रख दीजिए, या खाली कंटेनर होते हैं जो छोटी वाली कैंडल्स के, उसमें इनको जला दीजिए, और देखिएगा इतनी खुशबू आएगी इस छोटी सी चीज से कि सब पूछेंगे कि तुमने क्या जला रखा है। अक्सर करके
कि आपने देखा होगा कि जो टाइल्स जब लगती हैं उनके बीच में गैप आ जाता है, जैसे मतलब एक टाइम के बाद, या अच्छी तरीके से ग्राउट फिलिंग नहीं होती है तब भी ये प्रॉब्लम आती है। जैसा मैंने किचन में स्टोन लगाया था तो उसमें अभी प्रॉपर ग्राउट फिलिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से उसमें भी बीच में स्पेस है थोड़ा सा, या फिर सिंक के आसपास, तो ऐसे एरिया को हमें किसी प्रोफेशनल को बुलाना पड़ता है तब हम काम कराते हैं, लेकिन ये हम खुद भी कर सकते हैं। ये है एक सीलेंट जो कि सिलिकॉन सीलेंट है, अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं और ये बहुत अच्छे रहते हैं। टाइल में क्रैक आ गया हो, जॉइंट्स में गैप हो, उन सब में आप इसे यूज कर सकते हैं। बस इसे आगे से आप इसकी कैप को हटाइए और बस लगाते जाइए। और लेकिन लगाने से पहले आपको क्या करना है, अच्छी तरह से आपको वो जगह क्लीन कर लेनी है, पोंछ लेनी है, पानी बिल्कुल भी ना रहे। इसे लगाने के बाद आप ईयरबड से या हाथों से इसको बिल्कुल उस गैप में भर दीजिए। 3 से 4 घंटे में आराम से ये सूख जाता है और जब आप इसे लगाएं तो जो भी एक्स्ट्रा हो उसको भी किसी कपड़े की मदद से आप पोंछ दीजिए। गैप में अच्छी तरीके से इसको भरना होता है। अगर टाइल चटक भी गई हो तो भी आप इसको वहाँ पे लगा दीजिए, कोई भी जोड़ दिखाई नहीं देगा। और सिंक के पास वाले एरिया में जो जगह बन जाती है, या बाथरूम में कहीं पर भी जहाँ कहीं भी जगह हो, गैप हो, आप इसको भर सकते हैं और 2 से 3 घंटे बाद ये जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अलग अलग में आता है, ये मैंने व्हाइट कलर में लिया, देखिए बिल्कुल परफेक्ट जो है गैप मेरे भर गए हैं। कभी कभी टमाटर बहुत ज़्यादा पक जाते हैं जिससे कि उन्हें कट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब टमाटर पक जाते हैं तो इनके अंदर काफ़ी पानी सा आ जाता है। देखिए इस तरह से दबाने के बाद इतना पानी है, अब इसे कट कैसे करें। अच्छा तरीका यह है कि आप इनको रख दीजिए फ्रीज़र में, जब फ्रीज़र में रखेंगे जम जाएंगे और उसके बाद वॉश करके आप इन्हें कट करिएगा, बिल्कुल परफेक्टली ये कट कर जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इन्हें गर्म पानी में वॉश करेंगे तो इनके ऊपर का छिलका यानी कि पील आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और फिर आप इसे बिना छिलके का जहां कहीं भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। एक तरीका और है इस तरीके के टमाटरों को यूज करने का, और वो है टमाटर प्यूरी बना लीजिए। बहुत आसान है, इन सारे टमाटर्स को बिल्कुल पीस लीजिए बारीक और उसके बाद इन्हें सीव में यानी कि छलनी में छान लीजिए। इससे क्या होगा, जो टमाटो के सीड्स होंगे या उनके पील्स यानी कि छिलके होंगे वो अलग हो जाएंगे और टमाटर की जो बिल्कुल प्यूरी है वो एक तरफ हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसमें डालना है 1 चम्मच नमक और अच्छी तरीके से चलाने के बाद बिना ऑयल के हमें इसे कढ़ाई में थोड़ा मीडियम फ्लेम पे चलाना है, जब तक कि ये अच्छी यानी कि थिक पेस्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे ही ये थोड़ा सा थिक पेस्ट बनेगा इसको हमें कर लेना है ठंडा और फिर हम इसको बॉटल में भर के रख सकते हैं। अगर आप इसे बॉटल में भरते हैं तो फ्रिज में करीब 15 डेज तक आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे किसी भी आइस ट्रे में जमाते हैं तो फ्रीजर में आप इसको करीब 1 से 1.5 महीने तक रख सकते हैं। 1 स्पून इसकी करीब 1 टमाटर के बराबर होती है। देखिए हो गया ना यूज पके हुए लाल लाल टमाटरों का। घरों में बहुत सारी चाबियां इकट्ठी यानी कि कीज इकट्ठी हो जाती हैं, अलग अलग रूम्स की, तालों की, बहुत ढेर सारी, और कभी कभी हमारे पास इतने की रिंग नहीं होते हैं कि इन सबको हम रखें। तो एक जैसी कीज को आप एक जगह रखिए और उसे उसके लिए यूज करिए जिप टाई का। बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही स्ट्रांग ये होती हैं और फिर आप जिप टाई से बनी हुई इन कीज को किसी की रिंग में डाल सकते हैं, यानी एक जैसी कीज को आप इसमें डाल दीजिए। बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है अगर आपके पास की रिंग नहीं है तो। When I'm with you, I feel different, like I'm brand new. धनिया पाउडर अगर हम अपने घर पे पीसते हैं तो उसकी खुशबू ही अलग होती है, लेकिन इसको जब कभी भी आप घर में पीसें उसके लिए बाजार से जो भी आप मार्केट से धनिया के बीज लेकर आते हैं, सीड्स लेकर आते हैं, उन्हें अच्छे से धोइए, बहुत गंदगी इससे निकल जाती है, ये ज़रूर ध्यान रखिए, एक हैक है ये। और उसके बाद हमें इनको धूप में करीब 2 से 3 दिन के लिए सुखा लेना है और जब ये सूख जाते हैं तो अब हमें पीसना नहीं है। एक और हैक बताती हूँ आपको, इन्हें बिना किसी ऑयल के कढ़ाई में
थोड़ा सा करीब एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूनना है। अच्छे से ये इसमें से मॉइस्चर निकल जाएगा और उसके बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसको पीसेंगे मिक्सी में। जब कभी भी हम मिक्सी में पीसते हैं तो डायरेक्टली हम सोचते हैं कि पाउडर हमारा रेडी हो गया है, लेकिन इसको भी आप किसी छलनी में अच्छे से छान लीजिए। उसके बाद जो इसके छिलके होते हैं, जो कि काफ़ी कड़े होते हैं, दांतों में फंसते हैं, वो अलग हो जाएंगे। आप इसका जैसे चाहे यूज़ कर लीजिए और देखिए ये हमारा बहुत बढ़िया एक धनिया पाउडर साफ बिल्कुल रेडी है। लाल मिर्च का पाउडर भी हमें घर पे ही बनाना चाहिए, बिल्कुल वही मेथड है, सुखा लीजिए और जो इस मिर्च के डंठल होते हैं ना उनको हमें बिल्कुल हटा लेना है और फिर हम इनको पीसेंगे। लेकिन हैक क्या है वो बताती हूँ। पीसने से पहले आपको इसमें मिलाना है कोई भी कुकिंग ऑयल, करीब एक छोटा चम्मच आप इसमें डाल लीजिए। जब हम कुकिंग ऑयल डालकर इन मिर्च को पीसेंगे तो एक तो ये काफ़ी दिन तक सही रहती हैं, इनमें कीड़े नहीं लगते हैं, और दूसरी चीज़ जब आप इन्हें पीसते हैं तो आपको ना इसकी कोई जिसे घास कहते हैं कोई भी नहीं आती है और पीसना इसको बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए बढ़िया लाल मिर्च जो कि काफी दिनों तक चलेगी आपकी रेडी है। कई जो हमारी टेबल्स होती हैं, चेयर, सोफा वगैरह होते हैं, उनके जो नीचे लेग्स होते हैं या उनमें रिंग्स जो होते हैं उससे टाइल में स्क्रैचेस आ जाते हैं। इसके नीचे बहुत सारे तरीके हैं, आप कुछ फोम्स लगा सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें पैड्स आजकल मार्केट में आते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई राउंड टेबल है या छोटी टेबल है तो उसके नीचे आप कोई मैट डाल सकते हैं। जैसे देखिए एक राउंड मैट मैंने डाल दिया और इसके ऊपर अपनी ये टेबल रख दी है, अब बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे। इसको खिसकाएंगे तो भी ये मैट के साथ खिसकेगी और हमारी टाइल बिल्कुल बची रहेगी। डेकोरेशन का सामान गंदा हो तो फिर वो उससे हम डेकोर क्या करेंगे, यानी इन सारी चीजों की सफाई होनी बहुत जरूरी है। जैसे है पीतल के बर्तन, पीतल के कांसे के मिट्टी के बर्तनों को साफ करने के लिए बहुत सारे क्लीनर्स मार्केट में आते हैं। इन सारे क्लीनर्स को मैं रखती हूँ बॉटल्स में, कांच की बॉटल्स में, और एक मेरा क्लीनर ऐसा है जो जैसे पीतांबरी है, एक दूसरा क्लीनर भी है और पॉलिश भी मेरे पास है, और एक क्लीनर में तो मैं नींबू के जो छिलके होते हैं उनका पाउडर मिला देती हूँ, इससे पीतल के बर्तन बिल्कुल चमचमाते रहते हैं। इनको मैं बॉटल में रखती हूँ क्योंकि जब हम इन्हें पैकेट्स वगैरह में रखते हैं तो ये यूज़ नहीं होते हैं। ये देखिए काउडंग ऐश है, इसको भी मैंने रख रखा है एक बॉटल में, जिससे कि मिट्टी के बर्तन साफ होते हैं। पैकेट्स जो हैं कहीं क्लोजेट में, अलमीरा में, ड्रॉर्स में पड़े रहते हैं और टाइम पे नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर हम इनको ग्लास बॉटल्स में रखेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सेफ बने रहते हैं और हमें पता रहता है कि हमारे पास कौन कौन से क्लीनर्स हैं। और इनको मैं रखती हूँ हमेशा सिंक के पास, ताकि वहीं पे जब कभी भी मुझे बर्तन धोने हो तो मुझे वहीं पास आसपास ही ये सारी चीज़ें मिल जाएं। और इससे क्या होता है, जितने भी मेरे बर्तन होते हैं जब कभी भी मैं वॉश करती हूँ तो सिंक के पास ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। और ये बर्तन जैसा कि आप पूछते हो कैसे जगमगाते हैं ना, बिल्कुल एक साधारण से सिंपल से तरीके से ऐसे ही जगमगाते रहते हैं। एक क्वेश्चन जो हमेशा आप लोग पूछते हो कि किचन में ना छोटे छोटे कुछ कीड़े से हो जाते हैं जो उड़ते हैं, खाने के सामान पर बैठते हैं, उसका एक बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ। एक पिछले वीडियो में, शिवरात्रि के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ऑरेंज के जो ऑरेंजेस है ना, संतरे, उनके छिलकों को मैंने विनेगर में डाल के भिगो मतलब रख दिया था धूप में अपनी किचन की खिड़की में। तो अब 10-15 दिन हो गए हैं और उसी का मैं आपको एक ऐसा लिक्विड बनाना बता रही हूँ जिससे आप घर में जब कभी भी स्प्रे करेंगे ना तो एक बहुत अच्छी खुशबू आएगी। वो क्लीनर भी है, उससे मक्खी मच्छर भी भाग जाते हैं। तो उसको आप कैसे बनाते हैं वो भी बता दूं, बड़ा आसान है। ये देखिए 15 डेज से धूप में रखा हुआ था मेरी किचन की खिड़की में, इसमें से मैंने विनेगर को छान लिया। विनेगर में पूरा जो ऑरेंज है उसका जो पूरे गुण है वो उसमें आ गए हैं। थोड़ा सा पानी ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में आप मिला लीजिए और फिर ये आपका एक स्प्रे रेडी है। इसे अगर आपकी स्प्रे बॉटल में अच्छी नोजल लगी हुई है तो आप इसे हवा में छिड़क सकते हैं जिससे मक्खियाँ नहीं आएंगी, और वैसे भी ये बहुत अच्छा क्लीनर है और इसे आप क्लीनिंग के हर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का वीडियो हो गया है खत्म। जितने भी हैक्स मुझे आज के वीडियो में मैं कवर कर सकती थी वो सब आपके साथ शेयर करें। कैसा लगा जरूर बताना, कौन सा हैक आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, और लाइक जरूर करना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय।